बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर कोलंबस, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 जो बायो है वो चल रही है। और इसमें हम लास्ट यूनिट जो इकोलॉजी वाला टॉपिक है, यूनिट है, हम उसको पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला चैप्टर जो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स का है, या ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन का, हम पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर में हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा, बायोटिक इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, समझ रहे ना। उसमें से सबसे पहला जो हमने पढ़ा है, जो कंप्लीट किया है, वो प्रिडेशन था। क्या था? प्रिडेशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, और इस लेक्चर में हम कंपटीशन पढ़ेंगे और इसके अलावा जो भी इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। देखते हैं, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर दें। हालांकि मैं स्लो हो जाता हूँ समझाने में, थोड़ा मतलब लंबा थोड़ा समझाने लगता हूँ। मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता रहता हूँ, इम्फेसाइज करता हूँ चीज़ों पर, लेकिन शायद आप लोग जो है ना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं चीज़ों के लिए, इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं कि लेक्चर भी लेंदी होता है और आप लोगों को लगता है कि लेंदी हो गया, पढ़ाई तो करना नहीं है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं कंपटीशन के ऊपर। सो कंपटीशन के रिगार्डिंग डार्विन ने एक चीज बोली थी कि नेचर में या किसी भी हैबिटेट में, ठीक है, हैबिटेट की हम बात करें, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ करता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी से लेके बाकी उसके अलावा की एक्टिविटी जो होती है वो कहाँ होती है? हैबिटेट में होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है ना, डिफरेंट स्पीसीज ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए की भी अलग अलग स्पीसीज होंगी, सी की 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज है, डी का भी 2 है 3 है, ठीक है। तो इनके इनके बीच में भी इंटरेक्शन होता है जिसको हमको पढ़ना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला इंटरेक्शन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला इंटरेक्शन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला इंटरेक्शन। तो इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ, किसी के साथ, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको पढ़ रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है? मान लीजिए ए भी है, बी भी है, ठीक है, ये एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, दोनों का साइज बढ़ रहा है, दोनों का नंबर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा दे विल कम्पीट फॉर द स्पेस फर्स्ट। पहले कंपटीशन किसके लिए होगा? स्पेस के लिए होगा। स्पेस जब कवर हो जाएगा तो कंपटीशन तो स्पेस के लिए हो रहा है ना, ठीक है भाई, ये भी साइज बढ़ा रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, ये भी तो कंपटीशन शुरू होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपटीशन क्या होगा भाई? जब नंबर बढ़ गया, सब कुछ हो गया, और मान लीजिए दोनों स्पीसीज जो है किसी एक पर्टिकुलर फूड के ऊपर डिपेंडेंट है और उस फूड की अवेलेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड है, तो उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा। किसके लिए? फूड के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तो बहुत बेसिक सा कंपटीशन है, और इसी में क्या हो रहा है? स्ट्रगल हो रहा है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसी के लिए डार्विन ने बोला था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ रहे हैं कि नहीं? डार्विन ने यहीं से कॉन्सेप्ट निकाला था कि नेचर में ये चीजें देखने को मिलती है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक, मतलब ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, कंपटीशन है, इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इन्होंने बोला था, डार्विन ने बोला था कि जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है नेचर में, ठीक है, वो इवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पोटेंट फैक्टर मतलब बहुत ही पोटेंशियल है उसमें, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो, उसकी वजह से जो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है ना, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, स्पेसिफिक कंपटीशन एक्चुअली, ठीक है, ये लीड कर रहा है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। डार्विन ने ऐसा बोला, क्यों? डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसकी वजह से जनरेट होगा, ठीक है। डार्विन का ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, इसी की वजह से जनरेट होगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे डार्विन ने बोला कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है और ये दोनों फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फोर्स
क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, तो कंपटीशन कंपटीशन कैन लीड टू दी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज, और होता है, ऐसा होता है, देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा देखने को मिला है। जैसे जैसे बैक्टीरियोफेज एडवांस होता जाएगा, वैसे वैसे उस जिस बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है उसमें भी कुछ कुछ चेंजेज होते रहते हैं। ऐसे नेचर में होता रहता है चीजें, ठीक है, ये कंपटीशन ही है। और पैरासिटिज्म में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व करता है वैसे वैसे पैरासाइट भी इवॉल्व करता जाता है। इट इज जनरली बिलीव दैट कंपटीशन ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगा तो उसमें कंपटीशन के चांसेस ज्यादा है। हालांकि एग्जैक्ट सेम स्पीसीज की बात नहीं कर रहा है ये, उसकी तो बात ही अभी तक यहाँ नहीं हुई है। मतलब हम इंट्रा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बातें कर रहे हैं दो डिफरेंट स्पीसीज की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी ना, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा होगा कि वो सेम फूड के लिए कम्पीट करे। सेम फूड का मतलब कोई भी रिसोर्स जो होगा, सेम रिसोर्स के लिए वहां पे कंपटीशन चल रहा हो। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, समझ रहे हैं ना? तो कंपीट फॉर दी सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग लिमिटिंग। अगर वहां पे फूड जो है वो लिमिटेड है या स्पेस जो है लिमिटेड है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रिसोर्स दैट दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल एंड देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर इंक्रीज इन ऑफ द प्रोजेनी साइज, ठीक है, किसी भी चीज के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है अगर वहां पे लिमिटेड है और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो कंपटीशन उसी चीज के लिए होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये इंटायरली ट्रू नहीं है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये लेकिन इंटायरली ट्रू नहीं है। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। ये बोल रहा है कि इंटायरली ट्रू इसलिए नहीं है कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की जो हम बात कर रहे हैं ये तो सही हो सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली यही केवल हो ये जरूरी नहीं है। दो डिफरेंट स्पीसीज भी एक रिसोर्स के लिए कंपीट कर सकती है एक दूसरे के लिए, बस बात इन्होंने ये बोला। एग्जांपल क्या दिया, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है शैलो साउथ अमेरिकन लेक, ठीक है, शैलो का मतलब जो छिछला होता है, विजिटिंग फ्लेमिंगोज, ठीक है, एंड रेजिडेंट फिशेज कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज जूप्लैंकटन इन द लेक, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं पता है कि नहीं? अब देखिए यही सब चीजें मैं बताता हूँ तो टाइम बढ़ जाता है। प्लैंकटन वो होते हैं जो वाटर सरफेस है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको हम बना देते हैं ऐसे, ठीक है, पानी, तो ये मान लीजिए वाटर सरफेस है अगर ऐसे, ठीक है, तो वाटर सरफेस पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसी की तरह, मतलब जैसे ऐसे इसकी धाराएं ऊपर नीचे हो रही हैं, इसी की तरह फ्लो करते हुए इधर आ गया, मतलब ये एक्टिवली स्विम नहीं करेगा, नो एक्टिव स्विमिंग, नो एक्टिव स्विमिंग, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पैसिव स्विमिंग होगी, एक्टिव मूवमेंट नहीं होगा, क्या होगा, पैसिव। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो वाटर सरफेस में, पॉन्ड में, लेक में या कहीं पे है, अगर वो पैसिव स्विमिंग कर रहा है, मतलब धारा के साथ साथ फ्लो कर रहा है, जिधर भी जा रही है धारा, जैसे भी जा रही है, तो वैसी स्पीसीज को हम प्लैंकटन बोलते हैं। अब ऐसे में एक होता है प्लांट जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनको हम फाइटो बोलते हैं, ठीक है, और जो इन्हीं को खाने वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं जू प्लैंकटन। तो ये प्लैंकटन ही है लेकिन एनिमल है, तो इनके ऊपर फीड करेंगे ये, और इन जू प्लैंकटन के ऊपर छोटी छोटी फिशेस क्या करेंगी, डिपेंडेंट रहेंगी, मतलब फीड करेंगी। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो फ्लेमिंगोज बर्ड्स होती है ना और जो फिशेस हैं रेजिडेंट फिशेस इस एरिया में, ये दोनों बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट स्पीसीज है। ये बर्ड की स्पीसीज है भाई, ठीक है, और ये फिश की स्पीसीज है, लेकिन दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जूप्लैंकटन के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या हो गया, प्रूव हो गया ना कि जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडली दूसरा क्या है, रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू ऑकर। अब ये बोल रहा है कि
कंपटीशन होने के लिए, देखिए ये सब पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, मैं इसलिए एनसीईआरटी को इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ, समझ रहे ना, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा और आप गलत कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि कंपटीशन के लिए, जो नेचर में कंपटीशन हो रहा है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, ठीक है, उसके लिए रिसोर्स का लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। रिसोर्स की लिमिटेशन जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, मीनिंग समझ में आया। हमने शुरू में बोला कि रिसोर्स लिमिटेड हो सकता है जिसकी वजह से कंपटीशन इंटेंस होगा या कंपटीशन होगा किसके बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, ठीक है। लेकिन आगे ये कंडीशन ये दिया कि भाई कंपटीशन जो क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट स्पीसीज हैं, एक ये है, मान लीजिए एक ए है और एक ये ए डैश है, दीज आर दी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो शुरुआत में ये बोला गया, बाद में ये भी बोला कि जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि इंटायरली डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन ये कॉमन जो फूड रिसोर्स है इन इसी के ऊपर फीड कर रही है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि भाई दूसरा क्या है, जो रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस जो है जरूरी नहीं कि लिमिटेशन की हो, रिसोर्स लिमिटेड रहे तभी कंपटीशन हो, कहने का मतलब ये है रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं भी है ना, रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू ऑकर। इन एन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि भाई दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, ठीक है, ये इनके लिए रिसोर्स का भी कंपटीशन नहीं है, मतलब रिसोर्स लिमिटेड यहाँ पे क्या है, नहीं है, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स मान लीजिए, अनलिमिटेड रिसोर्स मान लीजिए, ठीक है, तब तो आप कह देंगे भैया इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन फिर भी कंपटीशन होगा, कैसा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, कैसे कैसे भाई, ये जो फीड कर रहा है, जिस एफिशिएंसी से फीड कर रहा है, ठीक है, ये इसके लिए इंटरफियर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है केवल इसका प्रेजेंस ही बस, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। खाली दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस मात्र से पहली स्पीसीज का जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बावजूद इसके कि जो रिसोर्सेस हैं चाहे फूड एंड स्पेस ये अबंडेंट हो। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, ये ध्यान रखना है, रियल में कंपटीशन यही है, हम रिसोर्स के बेसिस पे हो रहा है या किसी और चीज के बेसिस पे हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है, कंपटीशन का मीनिंग ये है कि जहां पर कंपटीशन होगा, हमने पढ़ा ना कंपटीशन में क्या होता है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है, कंपटीशन में क्या हो रहा है, फिटनेस जो है एक स्पीसीज की वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज दैट इज मेजर्ड इन आर दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू हमने पहले पढ़ा था वही है, ए सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, कहने का मतलब है अगर कोई स्पीसीज ए है तो ये अकेले रहेगा तो ये रिप्रोड्यूस मान लीजिए एक साल में, ठीक है, एक साल में 10 बच्चे पैदा कर ले रहा है, लेकिन उसी सेम हैबिटेट में एक दूसरी स्पीसीज बी आ गई सपोज, ठीक है, तो क्या करेगा ना, इसके रिप्रोडक्टिव जो ये फिटनेस है आर, इसकी वैल्यू को ये अफेक्ट कर देगा, तो अब क्या करेगा, अब जो है नया अगर बी के प्रेजेंस में एक साल के बाद अगर हम देखते हैं तो 10 की जगह ही क्या 8 ही स्पीसीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बी ने ए के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अफेक्ट किया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अफेक्ट किया, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब बस वही है कि स्पीसीज ए की जो फिटनेस है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, समझ में आया, आना चाहिए समझ में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाद में क्वेश्चन बनेगा यहीं से, फिर कहोगे कि भाई नहीं आ रहा है हमको, और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट
किया था, किसने? गौस ने, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, गौस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम देखेंगे। इट इज रिलेटिवली इजी टू, इट इज रिलेटिवली भाई नेचर में ये सब चीजें हम खाली कह सकते हैं, नेचर में एक्सप्लेन करना और नेचर में स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत ही आइसोलेटेड एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी मुश्किल है, ऐसे ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है हर चीज की। इट इज रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज द गॉज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। तो गॉज का हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Lab में तो हम दिखा देते हैं, गॉज ने या ऐसे अदर इकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया नेचर में, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए दो कम्पीटिंग स्पीसीज ए एंड बी है, इसमें से ए जो है ये सुपीरियर है, ठीक है, और बी जो है ये इसके कंपेयर में इंफीरियर है, तो क्या होगा? इनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा है ना, नेचर की बात इन्होंने बोला, कंपटीशन चल रहा है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे सुपीरियर है तो ए जो है बी के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, या ओवरऑल जो उसकी फिटनेस है और रिड्यूस करने के बाद फिर क्या होगा, धीरे 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 इसका नंबर जो है ये बढ़ता जाएगा और इसका नंबर क्या होगा, घटता 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 ऐसे घट जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बी स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड। क्लियर है? होना चाहिए, ठीक है। इतना आराम से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अगर नहीं अब नहीं समझ में आएगा तो फिर भाई बड़ा मुश्किल है, फिर आप पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो या हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सपोज, तो आपको ये फील ही ना हो कि आप लेक्चर ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। सो गॉज का नाम याद रखना है, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि भाई नेचर में जो है ना ये कोई कंक्लूसिव जो क्या बोलते हैं एक्सक्लूजन, जरूरी नहीं कि इसका जो रिजल्ट है वो कंक्लूसिव हो नेचर में। फिर भी इन्होंने बोला कि दो टू कम्पीटिंग स्पीसीज जो है नेचर में अगर कम्पीट कर रही हैं तो उसमें से एक स्पीसीज जो होगी नॉर्मली सुपीरियर होगी। देखिए खाली जब सिंगल स्पीसीज की हम बात करते हैं, जहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, तो यही है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या है, दोनों बराबरी के टक्कर पे, आपने देखा है एकदम से जैसे मैच वैच होता है, क्रिकेट मैच हो गया, बॉक्सिंग हो गया या कुछ भी हो गया, जब एकदम बराबरी का टक्कर होता है एकदम दिल की धड़कने रुकी होती है, इसी को बोलते हैं कांटे की टक्कर। क्या? कांटे की टक्कर, समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये, देखिए भाई ये मुर्री, ये बहुत बड़ा वाला बम है और ये मुर्री बम है, छुहाड़ा बम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके सामने इसकी कोई औकात है, विषाद है कोई? नहीं भाई, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर, ये क्या हो जाएगा, इंफीरियर। इसके प्रेजेंस में दिस विल दिस सर्वाइव, नो, इसके प्रेजेंस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया, गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यही यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इसी चीज के लिए बोला कि भाई ये नेचर में ये चीज कंक्लूसिव नहीं है कि हर बार ये गायब ही हो जाए, ठीक है। उसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखा गया है, मतलब गैलापागोस आइलैंड के पर, गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर वाला, ठीक है, इक्वाडोर इज ए कंट्री, देखिए, ठीक है, और ये पैसिफिक आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। सो यहीं पे डार्विन ने अपना देखा था, डार्विन फिंचेज यहीं पे देखने को मिला था, डार्विन फिंचेज गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड पर्सुएसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट दैट देयर आर सम केसेस द abandoned tortoise, ये tortoise है, ठीक है, in Galapagos Island became extinct within a decade after the goats were introduced on the island. इस लाइन को याद रखिएगा, Galapagos Island पे क्या हुआ, goat को introduce किया गया, goat को वहां पे रखा गया, और ये जो abandoned tortoise है ना, ये भी क्या होते हैं, herbivore होते हैं। अब वहां पे goat को introduce कर गया,
तो गोट की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी होती है इनसे बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो खाने की एफिशिएंसी है ना बहुत ज्यादा है। अब इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि इफेक्टिवली इन्होंने इसकी फिटनेस को रिड्यूस कर दिया, समझ रहे हैं, इसकी फिटनेस को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये जो अबिंगन टॉर्टोइस है इस गैलापागोस आइलैंड से क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, समझ रहे ना, एक्सटिंक्ट हो गया। कितने दिन में, लगभग एक डिकेड में या 10 साल के बीच में। दूसरा एविडेंस क्या है, अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव रिलीज। अभी हमने इसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल बताया था, प्रिकली कैक्टस वाला, ठीक है, प्रिकली कैक्टस, अरे बताया था ना भाई, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन वहां पे नेचुरल एनिमल्स का नहीं था तो इसका नंबर साइज बढ़ने लगा एग्जॉटिक स्पीसीज के केस में, ठीक है, इनवेजिव स्पीसीज एग्जॉटिक स्पीसीज के केस में। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब यही होता है कि कोई एक स्पीसीज, अगर कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज, मान लीजिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं, ये एरिया है, ठीक है, इसमें स्पीसीज एक्स है, वाई है, जी है, ए है, ठीक है। मान लीजिए ए स्पीसीज जो है एक्स स्पीसीज से कॉम्पिटिटिवली क्या है, सुपीरियर है, तो जब तक ए प्रेजेंट रहेगा तब तक ए जो है क्या करेगा, ए का नंबर जो है लिमिटेड रहेगा। ए क्या है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज है, ये क्या है, एक्स क्या है, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है, और इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ए इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ एक्स इन दिस हैबिटेट। ये हम पर्टिकुलर हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो इस हैबिटेट में जो है ना ए जो है एक्स की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सपोज, तो बाकी सबकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है, इसी की वजह से इन ए और एक्स के इंटरेक्शन की वजह से वाई एंड जेड की पॉपुलेशन भी कंट्रोल है, मेंटेन है इस पर्टिकुलर एरिया में। मान लीजिए कि ए सुपीरियर जो स्पीसीज है इसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया किसी भी रीजन से, द स्पीसीज ए गॉट एलिमिनेटेड, ठीक है, ए गॉट एलिमिनेटेड। जैसे ही ए एलिमिनेट हुआ यहां से, भाई जो बैठा था नया एक्स पहले डर रहा था, ये वैसे ही है जैसे आपके घर में होते हैं ना मम्मी पापा, और पापा से आप डरते हैं, और जब पापा घर में नहीं होते हैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए, तब आप लगता है कि आप मतलब दुनिया के सबसे, मतलब इतने खुश इंसान है दुनिया में, आपको लगता है जो मन करे वो कर लो, ठीक है। ये वही है कहानी यहाँ पे, जब तक ए था तब तक तो एक्स जो है अपना साइलेंट या शांति बना के रखा था सिस्टम में, ठीक है। जैसे ही ए एलिमिनेट हुआ किसी भी रीजन से, ठीक है, एक्स जो है अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया, और नंबर बढ़ाना शुरू किया और वाई और जेड को इफेक्ट करना शुरू कर दिया निगेटिवली। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पूरे एरिए में एक्स पॉपुलेशन जो होगी, एक्स स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आता है नेचुरल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं नेचुरल रिलीज की बात करते हैं, या हम कॉम्पिटिटिव रिलीज की बात करते हैं, क्या, कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज का क्या मतलब है, जो कंट्रोलिंग फैक्टर था वो रिलीज हो गया, इसको हम दूसरा टर्म भी देते हैं एनिमी रिलीज, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सिस्टम में इसका कोई एनिमी बचा ही नहीं है, एनिमी खत्म हो गया, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज है, वो अपना पॉपुलेशन जो है ऐसे ही बढ़ाएगा धड़ल्ले से, एकदम कहेगा भैया हमारा कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं है। क्लियर है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई, इसका एग्जाम्पल है याद रखिएगा। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल क्या है, देखिए, द स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इज अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज एंड इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, किसका, कॉर्नेल का। किसका एक्सपेरिमेंट है भाई, कॉर्नेल्स का, ठीक है, कॉर्नेल्स का, ये लिया है कॉलेंस एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट है मतलब बाहर है। इन्होंने भी कौन सा एरिया लिया, वही रॉकी इंटरटाइडल एरिया, रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड को चूज किया इन्होंने।
क्लियर है, स्कॉटलैंड को चूज किया, द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स जिसको हम बैलेंस बोल रहे हैं, ठीक है, ये डोमिनेट करता है इंटर टाइडल एरिया में, जो बताया ना हाई टाइड लो टाइड है मान लीजिए, और ये हाई टाइड लाइन है, हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन, तो यहां तक पानी मैक्सिमम आता है और यहां तक पानी जब रिसीड होता है तो यहां तक पहुंचता है। इसी बीच में ये जो एरिया है ना, दिस इज द इंटर टाइडल जोन या इंटर टाइडल एरिया। अब ये कॉर्नेल साहब ने क्या बोला, देखिए टाइम इसका भी बढ़ेगा, कॉर्नेल साहब ने ये बोला कि अगर यहां से हमने ये रॉकी वाला एरिया, यहां से हमने जो सुपीरियर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल है जिसको हमने बैलेनस बोला, ठीक है, क्या बोला, बैलेनस, ये बलेनो नहीं है भाई, बैलेनस। अब देखिएगा इसका फिगर उगर देखिएगा क्या है कैसे है, ठीक है, बैलेनस को हमने क्या किया, यहां से क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, ये सुपीरियर है ना, इस रीजन में ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, और ये किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है, कैथामेलस को, ये भी बार्नेकल है, कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, तो ये बैलेनस डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक है, कैथामेलस की पॉपुलेशन को क्या करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, मान नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया, बैलेनस को जो है ना क्या किया, हटा दिया, बैलेंस को रिमूव कर दिया, जैसे ही बैलेंस को रिमूव किया, जो कैथामेलस है, कैथामेलस, ये कैथामेलस ने अपनी पॉपुलेशन को ना पूरा अपना जो निश है उसको एक्सपेंड कर लिया, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब जैसे ही ये रिमूव हुआ सिस्टम से, वैसे ही इसका साइज जो है बढ़ गया, इसके हैबिटेट का साइज बढ़ गया, समझ रहे हैं ना, बुक में शायद डायग्राम दिया है, नहीं तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो इसमें पीडीएफ दिखाया था मैंने, मतलब पीपीटी में, खैर मैं दिखा दूंगा अभी, अभी इसको खत्म कर लीजिए, अभी लेक्चर जैसे ही खत्म होगा तो मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। तो एक्सपेरिमेंट हम बता देंगे, एक्सपेरिमेंट ही बता देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, अभी पढ़ लीजिए बस। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द कार्निवोर। रीजन क्या है, क्योंकि भाई हर्बीवोर जो प्लांट है, प्लांट कहीं मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपटीशन हो रहा है तो गायब, भाई एनिमल के केस में तो इधर उधर मूव कर तो छुप छाप भी जाते हैं, बचे रहते हैं, लेकिन प्लांट के केस में क्या है, और हर्बीवोर आएगा, प्लांट खड़ा हुआ है, खा के खत्म कहानी, समझ रहे हैं कि नहीं। इसी में एक और कंपटीशन का ही वो पार्ट है, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसने दिया था, गॉज ने, सेम है एग्जैक्टली, इन्होंने ये बोला इनके हिसाब से, ठीक है, हालांकि वो एग्जैक्टली नेचुरल कंडीशन में फिट नहीं बैठता है, ट्रू नहीं है, कम्प्लीटली इंटायरली ट्रू नहीं है, लेकिन गॉज ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने बोला था कि दो या टू क्लोजली रिलेटेड ए एंड ए डैश, क्लोजली रिलेटेड कंपीटिंग स्पीसीज, कंपीटिंग मतलब ये एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, कंपीटिंग स्पीसीज फॉर दी सेम रिसोर्स विल नेवर को एग्जिस्ट या कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो इनके लिए बोला कि भाई ये एक जगह कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे अगर ये क्लोजली रिलेटेड कंपीटिंग स्पीसीज है तो, और कंपटीशन किसके ऊपर हो रहा है, सेम रिसोर्स के ऊपर। टू क्लोजली कंपीटिंग स्पीसीज, ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट कर रहे तो इनडेफिनिट चलता जा रहा है, कभी इनडेफिनिट तो एग्जिस्टेंस इनका पॉसिबल नहीं होगा। तो एलिमिनेट कौन सा होगा, अरे यहाँ पे जैसे बताया ना बैलेंस और कैथामेलस, तो जो सुपीरियर रहेगा वो सरवाइव करेगा, वो अपना साइज बढ़ाएगा, और जो इन्फीरियर रहेगा वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाएगा। तो कंपिटिटिवली इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्फीरियर स्पीसीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटेड, अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो ये 100% ट्रू हो सकता है, बट नॉट दी अदरवाइज, ठीक है। अगर रिसोर्स लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे तो ये शायद ये प्रिंसिपल वहां पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन
अबाउट कंपटीशन, जो रिसेंट स्टडीज है उसके लिए बोला गया है कि इन्होंने जो बोला है ना कि जनरलाइजेशन बोला है कंपटीशन के लिए कि टू क्लोजली रिलेटेड कंपीटिंग स्पीसीज फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट, ये ग्रॉस जनरलाइजेशन है, ठीक है, ऐसा रियल में हो नहीं सकता, नहीं होगा, व्हाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो नहीं रहा है नेचर में, हो रहा है, लेकिन जो गॉज ने बोला वो बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड चीज है, ठीक है, जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा है। दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट द कोएग्जिस्टेंस, ये हो सकता है, ऐसा देखने को मिला है। तो कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है कैसे, इवोल्यूशन से, कि भाई ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व हो जाए कि दोनों स्पीसीज जो है कोएग्जिस्ट करती रहे, ठीक है, रेदर देन द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वुड बी द अल्टीमेट थिंग, ठीक है, बीच में जो स्पीसीज दोनों कंपीटिंग स्पीसीज हैं दोनों का सर्वाइवल जरूरी है, ठीक है। आर्टिफिशियल कंडीशन में क्या होता है वो अलग चीज है, नेचुरल सेटिंग में क्या है वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग की जब बात करते हैं तब उसके हिसाब से भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह बोल दिए बस कहानी खत्म। वन सच मैकेनिज्म यहाँ पे बोला कोएग्जिस्टेंस का एक मैकेनिज्म क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग का। और रिसोर्स पार्टीशनिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखे होंगे बर्ड्स के केस में, चिड़िया, जैसे एक पेड़ है बड़ा सा, देखिए अब ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है, आधे घंटे हो गया शायद, एक पेड़ है, पेड़ पे देखेंगे कुछ बर्ड्स इधर रहती है, नीचे साइड में बैठी रहेंगी, कुछ बर्ड्स बीच में बैठती हैं, कुछ यहाँ बैठती हैं, कुछ एकदम टिप पे बैठेंगे, ऐसे एकदम टिप पे, ठीक है, समझ रहे इसका क्या मतलब है, पता है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, मतलब ये जो है इनके लिए जो फूड है इसी लेवल पे मिलता है, इनके लिए जो फूड है इसी लेवल पे मिलता है, इनके लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी इधर आसपास रहती है, ठीक है, और ऐसे ही इसके लिए और ऐसे ही इसके लिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। मतलब इन्होंने क्या, अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी पार्टीशन हो गया, ठीक है, और फूड की अवेलेबिलिटी मतलब इंसेक्ट है मान लीजिए यहाँ पे बर्ड्स के केस में देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या हो गया, रिसोर्स को हमने पार्टीशन कर दिया कि भैया तुम अपना अपने एरिया में रहो, हम अपने एरिया में रहेंगे। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज दी मैकेनिज्म टू को एग्जिस्ट, ठीक है, विद द कंपीटिंग स्पीसीज। इफ टू स्पीसीज कैन नॉट कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, क्या बोला जा रहा है, इफ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाई चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम। तो एक तो आपका यहाँ पे स्पेशियल हो गया, क्या हो गया, ये स्पेशियल हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, भाई एक दिन में खाएगा तो एक रात में खाएगा, जैसे मुंबई करे, मुंबई में काम करने वाले लोग रहते हैं तो एक खोली में रहते हैं, वहाँ खोली में मतलब उसमें 8-10 लोग रह रहे हैं, तो पता चला चार लोग दिन में सो रहे हैं और चार लोग रात में सो रहे हैं, जो रात में सो रहे हैं वो दिन में काम कर रहे हैं, जो दिन में सो रहे हैं वो रात में काम करेंगे, मुंबई 24x7 खुली रहती है भाई, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखने को क्या मिला, रिसोर्स पार्टीशनिंग का, ठीक है, तो ये एक केस हो गया कि भाई कंपटीशन को अवॉइड कैसे किया जाए, तो चूज किया यहाँ पे कि भाई डिफरेंट टाइम पे फीड हम करेंगे, बताए ना, टेम्पोरल, अलग अलग टाइम पे फीडिंग होगी, ठीक है, या अलग अलग फोराजिंग पैटर्न हो सकता है, ठीक है। मैकार्थर नाम याद रखिएगा भाई, मैकार्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर, ठीक है, वार्बलर्स हैं, बर्ड्स हैं, लिविंग ऑन द सेम ट्री एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोराजिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसने एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे किया था। तो मैकार्थर का एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसके लिए, वार्बलर्स की, ठीक है, ये एक ही पेड़ पर क्या कर रहे थे, रहते थे, ठीक है, लेकिन कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और कोएग्जिस्ट करने के लिए इन्होंने बिहेवियरल डिफरेंस क्रिएट कर लिया, किसमें, फोराजिंग एक्टिविटी में, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसकी वजह से दे सर्वाइव एंड दे सर्वाइव। तो नेचर में रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है होती है कंपटीशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या कोएग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो गॉज का कंपटीटिव प्रिंसिपल जो है, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू इन दैट सेंस, लेकिन हम बहुत
डिटेल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि पैरासिटिज्म में घुसेंगे तो एक घंटा घिस जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में पैरासिटिज्म पढ़ेंगे, कमेंसलिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद कहानी जो है ओवर हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि